ये मेमोरियल जिसका अभी आपने प्रेजेंटेशन देखा और आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी ने जो जानकारी दी है, हम सब लोगों की मिलकर के कोशिश होगी कि बहुत जल्दी नेताजी का ये मेमोरियल बनकर के तैयार हो जाए। ये मेमोरियल सैफई में इसलिए बना रहे हैं कि नेताजी का सपना सैफई था और जीवन भर वो मिट्टी में रह करके पढ़े लिखे, खेले, आगे बढ़े, राजनीति की तमाम परेशानियां, गांव के लोगों की तमाम दिक्कतों को समझते हुए वो देश की राजनीति में ऊंचाई तक पहुंचे। और सबसे ज्यादा लगाव उन्हें सैफई के प्रति था, इसीलिए सैफई में ये मेमोरियल बनने जा रहा है। उनके जन्मदिन 22 नवंबर को हम सब लोग मिलकर के इसका शिलान्यास करेंगे। मैं आप लोगों को भी बुलाऊंगा, हमारे समाज सभी वरिष्ठ समाजवादी नेता उस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। मुझे खुशी है कि इस मेमोरियल के लिए यंग आर्किटेक्ट्स, यंग इंजीनियर्स ने हमारा बहुत सहयोग किया। हम किससे इंस्पायर हों, दुनिया में बहुत सारे बड़े बड़े लीडर्स का, बड़े बड़े लीडर्स के सरकारों ने स्मारक बनाए हैं, दुनिया में जगह जगह बनी है। समाजवादियों ने जयप्रकाश नारायण जी का यहां लखनऊ में बनाया था और ऐसा समाजवादी म्यूजियम बना था कि देश में किसी लीडर का इस तरह का म्यूजियम नहीं बनाया, लेकिन उसको भी बर्बाद कर दिया सरकार ने। जब मैं उसके अंदर गया तो मैंने देखा था कि पॉलिथिन से, धूल मिट्टी से जयप्रकाश जी ढके हुए थे और यही छिपाना चाहती थी सरकार। सरकार को समाजवादी सिद्धांत से कोई लेना देना नहीं है। समाज में गैर बराबरी खत्म हो, जाति जनगणना हो, जो पिछड़े दलित हैं उन्हें आरक्षण मिले, कोई सरकार को परवाह नहीं है। सरकार आरक्षण छीनना चाहती है, सरकार तमाम महापुरुषों का इतिहास बदलना चाहती है, छिपाना चाहती है। इसीलिए टीन शेड लगाए थे, ताला लगाया था उसमें, इसीलिए मजबूरी में हमें गेट के ऊपर से चढ़ करके जाना पड़ा। और अगर अगली साल भी लगाएंगे गेट पे ताला तो अगली बार भी इसी तरह कूद करके जाएंगे। इसलिए इस मेमोरियल जो बनने जा रहा है, मैं मुझे उम्मीद है कि नेताजी का मेमोरियल सैफई में बहुत अच्छा जल्दी बनाने की कोशिश करेंगे। और इसीलिए मैंने ये प्रेजेंटेशन की। आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी ने हिंदी में बताया कि क्या क्या इसमें चीजें जुड़ रहे हैं, समय समय पर लोगों ने सुझाव दिए हैं, कोशिश होगी उन सुझावों को भी एकोमोडेट कर लें, उन सुझावों को भी शामिल कर लें, जिससे कि जिस जगह से नेताजी को सबसे ज्यादा लगाव था, मैं सबसे पहले वहीं उनका मेमोरियल बनाने जा रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी 27 से पहले वो मेमोरियल बनकर के तैयार हो जाएगा।